प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ कंप्लेन लेटर, जो 9th, 10th, 11th और 12th तीनों के चारों क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर देखा गया है कि अधिकतर बच्चे कंप्लेन लेटर को छोड़ ही देते हैं। अगर आपको कहा जाए कि हिंदी में आपको कंप्लेन करनी है, शिकायत करनी है, तो उसमें क्या लिखेंगे? छोटे छोटे सेंटेंसेज बनाकर आप कंप्लेन कर देते हैं। ठीक उसी तरह से ही आपको इंग्लिश में जब कंप्लेन लेटर लिखने के लिए कहा जाता है तो छोटे छोटे सेंटेंसेज के माध्यम से आप पूरा कंप्लेन लेटर बना सकते हैं, लेकिन आपको उसका फॉर्मेट का पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्लेन लेटर। तो कंप्लेन लेटर में कंप्लेन लेटर जो 9th, 10th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 11th, 12th के लिए भी खास है। कंप्लेन कुछ लेटर लिखने के लिए आपको इस तरह से देगा, इस तरह से कोई कंप्लेन लेटर आएगा, जैसे लिखा है राइट ए लेटर इन अबाउट 100 या 120 वर्ड्स। कहते हैं कि एक लेटर लिखो जो 120 या 100 शब्दों का हो, टू द जनरल मैनेजर को ऑफ द सिटी ट्रांसपोर्ट, जो शहर के ट्रांसपोर्ट यातायात के जो जनरल मैनेजर हैं उनको लगभग 100 या 120 शब्दों के कंप्लेन लेटर लिखना है, एक लेटर लिखना है। अंडरटेकिंग कंप्लेन अबाउट लोकल बस सर्विस, किसके बारे में? जो लोकल बस सर्विसेज हैं। और कंप्लेन लिखते बार आपको ध्यान रखना है स्टेट हाउ बसेस आर इरेगुलर, कि ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है कि किस तरह से बसेज जो है ना इरेगुलर है, मतलब अनियमित रूप से आती है, इनफ्रीक्वेंट और क्राउडेड एंड अनरोडवर्थी। इन सब पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है कि किस तरह से बसेज में ये चीजें होती है कि अनियमित रूप से होती है, असामान्य होती है, और उसमें क्या होता है, ओवरक्राउडेड का मतलब भीड़ ज्यादा होती है, अनरोडवर्थी मतलब सड़कों पर अनियमित रूप से दौड़ती है। कुछ इस तरह से आपको इन शब्दों का प्रयोग करते लिखना है। तो प्यारे बच्चे, जब आपको इस तरह का कोई लेटर दिया जाए और उसको आप लिखने जा रहे हो तो क्या करना है, दो चीजों को तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। क्या? कि यहाँ पर दो एड्रेस आने हैं। पहला एड्रेस तो आएगा आपका, जब आप लेटर लिखने जा रहे हैं तो वो आपका एड्रेस लिखना, यहाँ पर सबसे पहले आपका एड्रेस लिखा जाता है। दूसरे नंबर पर फिर आती है डेट, और तीसरे नंबर पर आता है जनरल मैनेजर जिसको आपको लेटर लिखना है। ये चीज़ें तो आपको देगा इस क्वेश्चन पेपर के अंदर ही, जैसे कि आपको दिया जनरल मैनेजर का, यहाँ ऊपर जिक्र किया था जनरल मैनेजर को लिखना, किसको? ऑफ द सिटी ट्रांसपोर्ट। तो वही एड्रेस आपको यहाँ मैनेजर करना है, यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है? द ट्रांसपोर्ट मैनेजर, या द जनरल मैनेजर कर दो, या ट्रांसपोर्ट मैनेजर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहाँ का है ट्रांसपोर्ट मैनेजर? हो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का है। और इसका फिर क्या लिखना है, कहाँ पर है वो? पटेल हाउस में है। हाँ, मैंने पटेल हाउस मेंशन कर दिया, वहाँ पर कुछ इस तरह से आपको मेंशन कर देना है। और ये पटेल हाउस कहाँ है? नई दिल्ली में। तो यहाँ पर दो चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहला, एक आप अपना एड्रेस लिखने जा रहे हैं, एक एड्रेस वो जो जहाँ पर आपको लेटर सेंड करना है। यहाँ पर टू बिल्कुल ना लिखे, कभी आप ये शुरू कर दे कि टू से लिखना शुरू कर दे, टू बिल्कुल नहीं लिखना है, बस डायरेक्टली द जनरल मैनेजर या द ट्रांसपोर्ट मैनेजर कुछ इस तरह लिखना है। और डेट लिखने का जो तरीका है वो तरीका है, पहले तो आपको मंथ का नाम लिखना है, फिर आपको डेट, और उसके बाद आपको लिखना है तारीख, जिस दिन आप लेटर लिखने जा रहे हैं ये चीज़ें आपको उस दिन की मेंशन करनी है। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट में क्या आप लिखना है, क्या आपको बताना है वो देखना है। तो रिगार्डिंग पुअर बस सर्विस इन म्यूरवार फिस्ट, ये लेटर तो सब्जेक्ट में हमने इस तरह से डाल दिया, रिगार्डिंग पुअर बस सर्विस इन म्यूरवार फिस्ट थर्ड। अब हम इसकी बॉडी पर आते हैं, और बॉडी पर जब हम इसकी बॉडी का मतलब है इसके बारे में जो हमें लिखना है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, अब हमें भी हाईलाइट करनी है। और उनको हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है डियर सर। सबसे पहले क्या लिखना है? डियर सर। फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है और यहाँ से शुरू करना है। जब भी आप कंप्लेन लिखने जा रहे हो तो ये लाइन तो आपको कॉमन रखनी है, जो लाइन स्टार्टिंग में है। यहाँ से देखो क्या है, आई वॉन्ट टू ड्रो। आई वॉन्ट टू ड्रो का मतलब है मैं आकर्षित करना चाहता हूँ, योर काइंड अटेंशन आपका ध्यान, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ टूवर्ड्स की ओर द पुअर बस सर्विस इन म्यूरवार फेज थर्ड। म्यूरवार फेज थर्ड में जो बस सर्विस है उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ये लाइन तो आपको रखनी है कंप्लेन लेटर जब भी आप लिखने जा रहे हो, तो इस लाइन को तो आपको माइंड में सेट कर लेना है कि लाइन तो आपको लिखनी है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स हैं वे आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है वन बाय वन, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहता है कि द नंबर ऑफ बसेज ऑन दिस रूट इज वेरी स्मॉल,
कहते हैं कि इस रूट पर बसों की संख्या क्या है, बहुत ही कम है। पहली बात हमने समस्या पहली हाईलाइट कर दी कि एक तो बस सर्विस क्या है यहाँ कमजोरी है, दूसरी बात है कि यहाँ पर इस रूट पर बस सर्विस क्या है, बहुत ही कम है। आगे देखो क्या कहता है कि द बसेस विच प्लाई मीन्स होता है दौड़ती हैं, चलती हैं। प्लाई मीन्स क्या होता है, चलती हैं या दौड़ती हैं। द बसेस जो बस चलती है डू नॉट कम इन टाइम, समय पर नहीं आती। जो बस चलती है वे समय पर नहीं आती। पहली बात तो ये हाईलाइट करती है हमने कि इस रूट पर बस बहुत कम है और जो चलती हैं जो हैं वे समय पर नहीं आती। दूसरी समस्या आगे आगे मैनी ए टाइम का मतलब कई बार, देयर आर ब्रेकडाउन, बसें खराब होती हैं। कई बार क्या होते हैं, बसें खराब हो जाती है। ब्रेकडाउन का मतलब होता है, ज्यादातर देखा होगा आपने बसों पर लिखा रहता है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का मतलब होता है खराब हो जाना, सर्विस में नहीं होती, जो काम नहीं करती उसको कहते हैं ब्रेक डाउन। कई बार क्या होते हैं, बसें खराब रहती हैं। आगे कहते हैं द बसेज आर ओल्ड, कहते हैं कि बस क्या है, पुरानी है। दे डू नॉट हैव विंडो, उनमें क्या है, विंडो नहीं है। पैंस शीशे, वे कहते हैं उसमें क्या खिड़कियां नहीं है और ना शीशे हैं, ना उसमें खिड़कियां हैं और ना उसमें शीशे हैं। बसें क्या हैं, पुरानी हैं, न उसमें खिड़कियां न उसमें शीशे होते हैं। आगे कह रहा है द सर्विस एट पीक आवर्स इज द वर्स्ट, वर्स्ट मीन्स होता है सबसे खराब, कि बस जो हैं वे क्या हैं, सबसे खराब हैं। आगे कहता है, आगे हम लिख रहे हैं द पैसेंजर्स यात्रिया कैन बी सीन पुलिंग एंड पुशिंग, यात्रियों को देखा जा सकता है धक्का मुक्की करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए यात्रियों को देखा जा सकता है। आगे हम लिख रहे हैं यू कैन वेल इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं द डिफिकल्टी, समस्या की, ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की, आप बच्चों की समस्या को समझ सकते हैं, आप बच्चों की समस्या को कल्पना कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, औरतों की समस्या को अंदाजा लगा सकते हैं, एंड ओल्ड मैन, और बुजुर्ग व्यक्तियों की, आप बच्चे औरतें और बुजुर्ग व्यक्तियों की समस्या को समझ सकते हैं। दे कहते हैं दे डू नॉट, वे नहीं प्राप्त कर पाते इनटू देम, उनमें, वे उनमें नहीं चढ़ पाते, वे उनमें नहीं चढ़ पाते। आगे कहता है, आगे हम लिख रहे हैं देखो यहां पर स्कूल चिल्ड्रन, खास तौर पर समस्या किस चीज की आ जाती है, बच्चों की, स्कूल के बच्चों की, आर हार्ड हिट, क्या करते हैं, बुरी तरह से उनको चोट पहुंचती है। स्कूल के बच्चों को क्या होती है, बहुत चोट पहुंचती है। दे कैन नॉट गेट देम, वे उनको नहीं पकड़ पाते। एंड दे गेट लेट फॉर देयर स्कूल, और वे अपने स्कूल के लिए क्या होते हैं, देरी, लेट हो जाते हैं, मतलब अपने स्कूल पहुंचने में उन्हें देरी हो जाती है। ये हमने समस्या लिख दी है जो हम उन बसेज में फेस कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हिंदी में हम लिखे तो सेम होगा जो हमने यहां पर लिखा है, बस इनको क्या कर रहा है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर हमने उन समस्याओं को यहां पर हाईलाइट कर दिया। आगे हमें लिखना है आई देयर फॉर, इस प्रकार आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, लुक, देखो इनटू द मैटर पर्सनली, इस मामले को आप स्वयं देखो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस मामले को पर्सनली देखो। आगे लिख रहा है प्रोवाइड ए फ्यू स्पेशल बसेज, आप कुछ स्पेशल बसेज को उपलब्ध कराएं फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स, स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, एंड अदर्स, और अन्य जो भी कुछ है, लेडी हैं या ओल्ड हैं, उन सब के लिए क्या करें, स्पेशल बसेज की व्यवस्था करें। आई होप, मुझे आशा है दैट यू विल, कि आप अस मेकिंग बस सर्विस रेगुलर, कि आप हमारे लिए जो बसेज की सर्विस है वे नियमित रूप से उनका अरेंजमेंट करेंगे, उनको प्रबंध करेंगे इफिशियंट एंड क्विक, और क्या करेंगे, उनको क्या बना देंगे, सुविधाजनक बना देंगे और बड़ी फास्ट बना देंगे। आगे लिखना है हमें थैंकिंग यू, आपका आभार करते हुए, योर फेथफुली, आपका शुभचिंतक, और यहाँ पर लिखेंगे आप अपना नाम, जियो भी आप, आपका नाम है। ऊपर आपको नाम मेंशन नहीं करना, ऊपर आपको एड्रेस मेंशन करना है और नीचे आपको नाम मेंशन करना है। तो इस तरह से हमें कंप्लेन लेटर को लिख देना है, इस तरह से हमें कंप्लेन लेटर का एक फॉर्मेट बना लेना है और ऐसे हमें कंप्लेन लिखनी है। तो प्यारे बच्चों, 9th और 10th क्लास में कितने नंबर का, 5 नंबर का तो डेफिनेटली आता ही आता है। तो अब आपको 5 नंबर छोड़ने नहीं है, आपको 5 नंबर प्राप्त करने हैं, ठीक है।